चार घंटा से लाइन में है, सुबह 10 बजे से लाइन में लगे हुए, यही स्थिति है लाइन का। सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ व्यवस्था कुछ भी नहीं है, एक घंटा में एक विद्यार्थी का हो रहा है, ऐसे कैसे चलेगा? क्लियर नहीं है जो 1-5 का कहाँ हो रहा है और +2 का कहाँ हो रहा है। मैं खुद बेहोश हो गई हूँ, मैं सुबह से लाइन में खड़ी हूँ, कोई व्यवस्था नहीं है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज, मैडम अभिषेक है। BPSC के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा ली गई थी, जिसके बाद आज काउंसलिंग का चौथा दिन है और देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो काउंसलिंग करने आए हैं। ऐसे में काफ़ी परेशान हैं क्योंकि कई घंटों से लाइन में लगे हुए हैं और जो व्यवस्थाएं हैं वो कम पड़ गई हैं। हालांकि 20 ये लगाए गए थे लेकिन इसके बावजूद व्यवस्थाएं कम पड़ गई हैं, इसको लेकर आप देख सकते हैं क्या हाल है और पसीने छूट रहे हैं। क्या कितने देर से लाइन में है? आज 2-4 घंटा से लाइन में है। नहीं, आगे नहीं बढ़ रहा है। सुबह 10 बजे से लाइन में लगे हुए, यही स्थिति है लाइन का। काम नहीं हो रहा है क्या? काम तो चल रहा है लेकिन पता नहीं इनकी। सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ व्यवस्था कुछ भी नहीं है, 3-4 घंटे से लोग लाइन में लगे हैं और कोई पुलिस वाला कोई कुछ नहीं कर रहा है, खाली कह रहा है कि आइए गार्जियन घर जाए। अरे गार्जियन हो जाएगा, एक घंटा में एक विद्यार्थी का हो रहा है, ऐसे कैसे चलेगा? मतलब समझ नहीं आ रहा है आपको। पहले एक बार टोकन के लिए बाहर निकाल दिया गया सबको, उसके बाद लाइन में जो आगे था वो पीछे हो गया। अगर टोकन देगा तो पहले ना व्यवस्था करना चाहिए था। 2 दिन से 1 महीना से BPSC दिमाग लगा रहा है कि व्यवस्था करिए, यही करिए, यही व्यवस्था। 3-4 लड़की को चक्कर लगे, एक लड़की चिल्ला रही थी हम आए थे तो उसके बेहोश होकर के गिर गए गर्मी से प्रेग्नेंट थे वो भी बेचारे, हाँ बेहोश हो जा रहे। एक लड़की चिल्ला रही थी। एक और बात कहना है कि एक चीज़ बताइए आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है भीड़ है और हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे, जो अभ्यर्थी हैं उनसे बातचीत करेंगे। कितना देर है क्या? बहुत देर से है लाइन, हो कर रहा है काम। अब उच्च माध्यमिक के हैं, नहीं है जो 1-5 का कहाँ हो रहा है और +2 का कहाँ हो रहा है। हम लोग तो सुबह से ही, और भी अभ्यर्थी हैं, कितने देर से हम लोग सुबह से ही आए भैया, 9 बजे से आ गए, कुछ भी नहीं देख रहे हैं लाइन सर। एकदम प्रशासन फेल, प्रशासन है ही नहीं यहाँ पे। सिर्फ एक ही में लड़कियां भी हैं, उसमें मेल भी है फीमेल भी है, सब एक दूसरे में एकदम लगे हुए हैं। बेहोश हो जा रहे हैं बच्चे, बाहर निकल रहे हैं फिर जा रहे हैं बेहोश। कितने बच्चे, 500 बच्चे बेहोश हो गए सुबह से, और का 100 से बच्चे हो गए। मैं खुद बेहोश हो गई हूँ, मैं खुद बेहोश, हाँ जी, मैं एक हाथ के फासले पर थी यहाँ से काउंटर से और मैं बेहोश हो गई हूँ। मेरे को, हाँ जी, बहुत ज्यादा भीड़ है ना, रास्ता है बिल्कुल नहीं है सर, व्यवस्था नहीं है यहाँ। सुबह से खड़े हैं लाइन में, सुबह से लाइन में खड़े, कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ लगा है ना, लेडीज आ रहे हैं, कोई काउंटर है ना, जेंट्स का अलग काउंटर है, सबको एक ही में भेड़ चाल में बना रखा है। बताइए ये कोई बात होती है? अगर किसी बच्चे को हार्ट अटैक आ जाए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा फिर इसके लिए? कौन जाएगा? कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ, लाइन में लग कर निकलते हैं फिर आ रहे हैं, 2-2 बार लाइन में लग कर अभी तक यहीं पे हैं। कोई व्यवस्था ही नहीं है। एक बार सब लोग आगे पहुंच चुके थे, इन लोगों ने बाहर कर दिया, फिर उसके बाद दोबारा से लाइन में लगना पड़ा। पंखा है, बिजली कुछ भी नहीं है, हवा निकलने कोई रास्ता नहीं है, इतनी गर्मी है, सब कुछ नहीं कर रहा है कुछ ना, तो जेंट्स और लेडी का लाइन है यहाँ। इस तरीके से भीड़ है और अफरा तफरी का माहौल है, कोई लाइन नहीं है, अफरा तफरी का माहौल है, बिल्कुल बहुत ही खराब व्यवस्था है, ना कोई लाइन है ना कोई सिस्टम है, बॉयज गर्ल मेल फीमेल कोई असर नहीं है, जहाँ कुछ नहीं, आप देख रहे हैं ये कंडीशन। अगर व्यवस्था होती नहीं है, मॉर्निंग से खड़े हम बेहोश हो गए, वापस फिर से आए वहाँ से रिटर्न, व्यवस्था नहीं है सर। लगभग काफी लड़की कैंडिडेट फिट मार चुका है, भारी व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था कहीं सर, आप कंडक्ट करवाए अच्छे से तो नो डाउट। तो ये सिचुएशन में है और काफी गुस्से में है, प्रशासन आया है, अब देखने वाली बात होगी कि लाइन लगती है कि नहीं, लेकिन काफी गुस्से में है क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं है, अफरा तफरी का माहौल है। आप देख सकते हैं, आप पुलिस आई है, मीडिया के दिखाने के बाद पुलिस बल भी पहुंचा है और काफी लड़की की लाइन सही करवा दीजिए, एक जेंट्स लाइन होनी चाहिए,
लेडीज की लाइन होनी चाहिए। आ गई है मीडिया को देख के, पुलिस भी आ गई है। अब देखिए तो व्यवस्थाओं को, अब पुलिस पहुंची है मीडिया को देखकर, लेकिन काफी नाराजगी है क्योंकि लड़के लड़कियां बेहोश हो रहे हैं और काफी अफरा तफरी का माहौल है। अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक शांत करा पाता है, जो है ठीक करा पाता है व्यवस्थाओं को। देखने वाली बात होगी। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए।